तो साथ बात करेंगे एंगल इन सेमी सर्कल इज राइट एंगल यानी जो सेमी सर्कल के अंदर एंगल बनता है वो राइट right एंगल होता है फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ करता हूँ ये मेरे पास सर्कल है जो मैं बाय हैंड ड्रॉ कर रहा हूं और सुम करेंगे अगर थोड़ा बहुत ठीक ना भी बने तो A लेकिन चले ये हमारे पास सर्कल है और दिस इज देंटर ऑफ द सर्कल सर्कल इन सेगमेंट ड्रॉ करूं सर्कल के सेंटर से पास करे ठीक है और उसके एजेस जो है सर्कल की बाउंड्री के ऊपर लाई करते हूँ जो सर्कल के सेंटर से पास करता है वो सर्कल को दो हाफ में डिवाइड कर देता है फॉर एग्जाम्पल uh, ये जो ये जो ये जो ये जो पॉइंट है ये एंड है इसको मैं बोलूंगा ए विच इज एक्स वन वाई वन ठीक है और पॉइंट बी हमने थ्योरम से बात प्रूव की थी हमने थ्योरम आपको याद होगा प्रीवियस थ्योरम में फर्स्ट थ्योरम में हमने बात प्रूव की थी कि जो सर्कल uh, का डायमीटर होता है वो रेडियस का डबल होता है वो हमने प्रूव किया था उस केस में हमने देखा था अगर दिस इज एक्स वन वाई वन तो ये क्या हो जाएगा माइनस एक्स वन वाई वन माइनस एक्स वन एंड माइनस वाई वन ठीक है यह बात हमने ये बात हमने प्रूव कर ली थी अब ये एक डायमीटर है जो सर्कल ये जो एक डायमीटर है जो सर्कल को टू हाफ में डिवाइड कर रहा है विद सेंटर ओ हमने प्रूव ये करना है कि सेमी सर्कल अब ये भी एक सेमी सर्कल है अपर पार्ट ऑफ द सेमी सर्कल लोअर पार्ट ऑफ द लोअर लोअर सेमी सर्कल एंड अपर सेमी सर्कल ठीक है हम बात करते हैं कि अगर जो है आप कोई भी एक पॉइंट ले लो यहाँ पे कोई भी एक पॉइंट ले लो लोट सपोज एक पॉइंट पी है जो कि एक्स टू है वाई टू है ठीक है एक्स टू है एक्स टू एंड वाई टू अब इस पर जरा हम एंगल बनाएंगे किस तरह से बनेगा एंगल कि हम ज्वाइन कर देंगे पॉइंट बी को पॉइंट पी के साथ ठीक है पॉइंट बी को पॉइंट पी के साथ ज्वाइन करेंगे और बल्कि अभी भी प्रॉपर नहीं बन रहा मेरे से चले ठीक है अब इसी तरह से पॉइंट पी को पॉइंट ए के साथ ज्वाइन कर देंगे लाइक दिस ठीक है बल्कि थोड़ा सा इसको भी बेहतर कर लेते हैं चले अब हमने प्रूव ये करना है कि जो एंगल ए पी बी है ठीक है एंगल ए पी बी दिस एंगल दिस एंगल इज 90 डिग्रीज एंगल ठीक है दिस एंगल इज 90 डिग्रीज एंगल अब हमने एनालिटिकली प्रूव करना है वैसे तो हमने प्रूव किया हुआ है ठीक है थ्योरम्स के अंदर हमने बात स्टडी की थी लेकिन हम यहाँ पे एनालिटिकली प्रूव करेंगे देखिए जो इंपॉर्टेंट यहां पे बात यह है कि दिस इज नॉट द ओनली वन एंगल वन पॉइंट ठीक है पॉइंट जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर ये यह पॉइंट यहां पे आ जाए ठीक है तो ये जो एंगल बनेगा ये जो एंगल होगा ये भी नाइन्टी डिग्रीज होगा क्योंकि सेमी सर्कल के अंदर बन रहा है तो जो भी एंगल सेमी सर्कल के अंदर बनेगा फॉर एग्जाम्पल अगर ये यह यहां पे आ जाए सिर्फ यहां पे आ जाए पॉइंट भी तो यहाँ से ये जो एंगल बनेगा यहाँ से ये यह जो एंगल बनेगा चले यहाँ पे अगर आ जाए तो यहां से ये यह जो एंगल बनेगा ये भी नाइन्टी डिग्रीज होगा तो बेसिकली अगर हम एक को प्रूव कर लेंगे तो दैट मीन सब प्रूव हो जाएंगे जो भी एंगल सेमी सर्कल के अंदर बनता है वो राइट right एंगल होता है कैसे प्रूव किया जा सकता है देखें गिवन हमें जो कुछ है गिवन हमें जो कुछ है वो ये है जी ए मीटर यानी ए बी ए बी इज ए डियामीटर ठीक है इज इज ए ए डायामी कह लें ठीक है ये एक डायामीटर है ठीक है विद With vertices, with vertices, with vertices, vertices, uh, या yeah, simply कहलें, with points, चलिए with points की बात कर लेते हैं, with points. A which is x1 y1, point B with with minus x1 y1, sorry minus y1, ठीक है, and एक और point P है जो circle के ऊपर lie करता है, which is x2 y2. इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या prove, है एंड वेयर इक्वेशन ऑफ सर्कल इज इक्वेशन ऑफ सर्कल इन स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ सर्कल इन स्टैंडर्ड फॉर्म इज एक्सर सॉरी पे दोबारा इज दिस इक्वेशन ऑफ सर्कल ठीक है हमने प्रूव क्या करना है ए पी बी ए पी एंड बी दिस इज इक्वल टू नाइन्टी डिग्रीज नाइन्टी डिग्रीज ये जो एंगल मैंने पे कलर, this, कलर कर दिया है प्रूव करना है ठीक है अब देखें किस तरह से प्रूव कर सकते हैं मेरे पास जो स्ट्रेटेजी है इसके लिए वो स्ट्रेटेजी यह है कि तो देखें मैं अगर कह दू कलर सपोज स्लोप ऑफ लाइन ए पी इज एम वन अगर ये एम वन है स्लोप ऑफ लाइन बी पी इज एम टू ठीक है स्लोप ऑफ लाइन ए पी ए लाइन लाइन सेगमेंट सेगमेंट पी पी है BP M2 है स्लोप ऑफ बी और अगर हमें, हमें दोनों लाइन के स्लोप आ जाए तो हमने देखा था अगर दो आपस में परपेंडिकुलर हो तो उनकी स्लोप यानी एम वन टाइम्स एम टू किसकेक्वल होता है माइनस वन के इक्वल होता है अगर हम ये चीज प्रूव कर ले, अगर हम ये लेव कर लें कि दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट जो है माइनस वन के इक्वल है तो ये बात फिर प्रूफ हो जाएगी कि मेजर ऑफ एंगल ए पी बी जो है वो इज इक्वल टू नाइनटी डिग्री है ठीक है अभी हम कैसे प्रूव करेंगे ये हम कैसे प्रूव करेंगे देखें उसके लिए यानी प्रूव करने के लिए डेफिनेटली ये फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए हमें दोनों लाइंस की स्लोप चाहिए यानी एम वन भी चाहिए एम टू भी चाहिए जो कि कैलकुलेट करना मुश्किल बात नहीं है ठीक है हम बहुत आसानी के साथ इसको कैलकुलेट कर सकते हैं मैं यहाँ से इसी फिगर को अगर मैं कॉपी कर लूँ ठीक है लेट सपोज अगर मैं इसको कॉपी कर लूँ तो मेरे लिए कैलकुलेट करना आसान हो जाएगा बिकॉज मुझे फिगर को देखते हुए यही स्लोप कैलकुलेट करनी है ठीक है चले यहाँ पे टू प्रूव जो है यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ ठीक है और आई मीन पार्ट इस पार्ट को मैं रिमूव कर देता हूँ ठीक है चले बल्कि हम इसी तरह से इसको रिमूव करते हैं ठीक है दिस इस पार्ट इसको रिमूव कर दें और यहाँ से इसको रिमूव कर दें चले जी अब हमारे पास फिगर आ चुकी हुई है अब हमने प्रूव करना है कि मई ऑफ एंगल ए बी बी जीको नाइन्टी डिग्रीज है हम सबसे पहले बात करेंगे स्लोप ऑफ ए बी स्लोप ऑफ एपी सॉरी स्लोप ऑफ ए पी एपी की स्लोप किसके इक्वल है देखें एपी की स्लोप आ जाएगी दिस इज वाई टू ठीक है यानी चेंज इन वाई अवर चेंज इन एक्स ठीक है चेंज इन वाई अवर चेंज इन एक्स तो आ जाएगा बिकॉज चेंज इन वाई वाई टू माइनस वाई वन एक्स टू माइनस एक्स वन ये स्लोप ऑफ इसको मैं बोलता हूँ दिस इज इक्वल टू एम वन ठीक है इसी तरह सेकेंड आ जाएगा स्लोप ऑफ स्लोप ऑफ स्लोप ऑफ बी पी स्लोप ऑफ बी पी ये किसकी कुल आ जाएगी देखें वाई टू चेंज इन चेंज इन वाई ठीक है दैट मीनस वाई टू माइनस माइनस वाई वन बिकॉज इसमें वाई इट सेल्फ माइनस वाई वन है our minus, minus X1, minus X1. इसको मैं अगर कर सिंप्लीफाई करूँ तो यह हो जाएगा वाई टू प्लस वाई वन अवर एक्स टू प्लस एक्स वन अवर एक्स टू प्लस एक्स वन दिस इज इक्वल है ठीक है अब हमने प्रूव ये करना है अब हमने प्रूव ये करना है कि ये जो दोनों स्लोप का प्रोडक्ट है वो माइनस वन के इक्वल है अगर दोनों स्लोप के आ गया, तो दैट मीनस के जो एंगल है वो नाइन्टी डिग्रीज का है दोनों के दरमियान तो इसका मतलब है एफ एम वन एफ एम वन इज इक्वल टू एम टू किसकेक्वल आ जाएगा चले बल्कि एफ नहीं लगाते ठीक है देर फोर therefore m1 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 times m2 m1 time m2 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 time y2 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 minus y1, x2 minus x1, x2 minus y1 y1 x2 x2 x1 x1 what is equal equal to plus plus y1 प्लस x2 plus x1 plus x1 अब ये तो अगर आप देखे तो ये फार्मूला बन चुका हुआ ये क्या बन चुका हुआ फार्मूला बन चुका हुआ किसके ये फॉर्मूला हम देख लेते हैं जी दिस इज इक्वल टू वाई टू स्क्वेयर यानी ए प्लस बी देखें दिस इज ए माइनस बी और ये प्लस बी है इसी तरह से ये भी ए माइनस बी ए प्लस बी ए स्क्र माइनस वाई वन का स्कूल बी डिवाइडेड बाय या आ जाएगा एक्स टू का स्क्वेयर माइनस एक्स वन का स्क्वेयर अब देखें अपेरेंटली तो हमें लग रहा है कि एम वन टाइम्स एम टू जो है वो आपस में वो माइनस वन के इक्वल नहीं आया लेकिन दिस इज इक्वल टू माइनस वन ये इक्वल टू माइनस वन है ठीक है आ, किस तरह से है अब टाइम इसमें हमारे इस लेक्चर में इस टाइम पूरा हो गया अभी हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करते हैं और हम प्रूव करेंगे कि किस तरह से ही जो वाई टू स्क्र माइनस वाई वन स्क्वेयर और एक्स टू स्क्वेयर माइनस एक्स वन स्क्वेयर किस तरह से ये माइनस वन के इक्वल है ताकि हम अपनी जो स्टेटमेंट है उसको प्रूव कर सके